बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नेटवर्किंग के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली केबल है उसके बारे में। उस केबल को इथरनेट केबल भी कहते हैं, इसके अलावा कैट6 केबल वो भी कहते हैं। इस केबल के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, इसमें जो इनकी कंपनीज हैं उनके बारे में बताएंगे आपको, और इसके अलावा जो आउटडोर केबल होती है और इनडोर केबल होती है वो कौन कौन सी है, मजीद आपको बताएंगे कि जैसा कि कैमराज वगैरह हो गए, और इसके अलावा नेटवर्किंग के अंदर जो इंटरनेट के लिए केबल इस्तेमाल की जाती है, और प्लस इसके अलावा जो हम ऑफिस के अंदर सिस्टम्स को आपस में ग्रुप के तौर पर उनको नेटवर्किंग के अंदर एक ही नेटवर्क के ऊपर लाने के लिए जो केबल इस्तेमाल करते हैं, और मजीद आपको बताएंगे कि इस केबल के अंदर जो कॉपर के अंदर केबल आती है वो कौन सी है, और जो सिल्वर कॉपर के अंदर केबल आती है वो कौन सी है। तो आज की वीडियो में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे इथरनेट केबल के बारे में। तो अभी दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अभी फ्रेंड्स, हम आपको दावा कंपनी की जो इथरनेट केबल है उसके बारे में बताएंगे। दावा कंपनी बहुत ही हाई क्लास जो कैमराज हैं, सिक्योरिटी कैमराज वो बनाती है। तो ये केबल भी इस दावा कंपनी के हैं, और ये मेड इन चाइना है नेटवर्क केबल। इसका जो मॉडल नंबर है DHPFM20 है, और इसका जो वेट है वो 13 kg है, और जो इस वायर की लेंथ है वो मैक्सिमम कोई 1000 फिट है। और इसके अलावा दोस्तों, ये दावा कंपनी की ये जो केबल है प्योर कॉपर के अंदर है और वाइट कलर के अंदर आती है। अभी हम इसका कवर उतारेंगे और उतार कर आपको इसका कॉपर जो है चेक करवाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो केबल है ये कैमराज के लिए मोस्टली जो यूज़ होती है, आप इसको नेटवर्किंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली जो कैमराज इंडोर लगते हैं उसके लिए ये केबल जो है बहुत परफेक्ट है, और प्योर कॉपर के अंदर है। इसका कॉपर जो है वो भी काफ़ी मोटा है, और इसके अलावा जो इसका PVC है वो डबल PVC है। और इसके अलावा मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ, अगर कैमराज को कह लेंगे फुल पावर देना चाहते हैं, देनी होती है, तो उसके लिए जो अच्छे कॉपर वाली केबल जो है वही इस्तेमाल होती है, अदरवाइज़ कैमराज को पूरी पावर जो नहीं मिलती। तो मोस्टली जो है वो कैमराज के लिए ये वाली केबल जो है वो भी इस्तेमाल की जाती है। अभी मैं आपको इसका ऊपर से जो इसका PVC है वो उतार कर चेक करवाता हूँ यहाँ पर। तो अभी इसके अंदर यहाँ पर मैं आपको जो वायर है उसका जो ऊपर से कवर है उसको उतार कर आपको इसका कॉपर जो है चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वायर का जो साइज़ है और इसकी जो कह लें कि गेज है इसकी कॉपर की, वो भी काफ़ी मोटी है और थोड़ी सी हार्ड भी है, और ये प्योर कॉपर के अंदर है ये वाली। ये आप यहाँ पर इसका जो वायर जो है इसके अंदर से हमने जो निकाली है ये वाली, और जो इन वायर्स के कलर हैं दोस्तों वो भी बिल्कुल नीट हैं। दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स, जिस वायर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ये हाईविज़न कंपनी है, कैमराज वगैरह बनाती है। इसके अलावा स्विचेस वो भी यूज़ किए जाते हैं, हाईविज़न कंपनी के काफ़ी मैंने यूज़ किए हैं, बहुत आउट क्लास हैं, और कैमराज के रिज़ल्ट जो है सिक्योरिटी कैमराज बहुत आउट क्लास रिज़ल्ट है इनका। ये केबल जो है ये भी कैट्स केबल है, और ये कॉयल जो है वो 1000 फिट की लेंथ का है, और इसके अलावा जो इसका मॉडल नंबर है DS1L6W, ये इसका मॉडल नंबर मेड इन चाइना है, और बहुत आउट क्लास केबल है। ये प्योर कॉपर के अंदर आती है, और ऑरेंज कलर इस केबल का है। अभी फ्रेंड्स, हम आपको इस वायर का जो ऊपर वाला कवर है उसको उतार कर इसका कॉपर जो है चेक करवाते हैं। ये जो वायर है दोस्तों हाईविज़न कंपनी की, अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये बाकी वायर की बनस्पत इस वायर की प्राइस जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये प्योर कॉपर के अंदर है, और जो इसकी वायर का गेज है वो भी काफ़ी मोटा है। इसके ऊपर जो इसका PVC है वो सिंगल ही है, लेकिन ये जो वायर है मोस्टली इंडोर कैमराज के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप इसको नेटवर्किंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कैमराज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसका जो वायर के ऊपर से इसके अंदर जो कॉपर है वो आपको मैं निकाल कर दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, जो हमने पहले दावा कंपनी की वायर का ऊपर से कवर उतारा था तो उसकी गेज इससे थोड़ी सी ब्रीक थी, लेकिन ये जो वायर है ये उससे भी मोटी है, और इसका जो कॉपर है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये भी उससे थोड़ा सा कह लें कि मोटा है, और प्योर कॉपर है ये वाला। ये गारंटी के साथ है, और इस वायर का जो रेट है वो भी ज़्यादा है। इसके बाद दोस्तों, जो थर्ड नंबर पर केबल्स आती हैं ब्लैक कलर के अंदर, वो उस केबल का जो नाम है जो वो डॉल्फिन केबल्स है। ये भी कैट6 केबल है, और ये मोस्टली जो है वो आउटडोर केबल जो है वो इस्तेमाल की जाती है नेटवर्किंग के लिए। जो अक्सर दोस्त जो है वो नेटवर्किंग का काम करते हैं और गली मोहल्लों के अंदर वायर को यूज़ करते हैं एज ए आउटडोर के लिए,
जो धूप वगैरह या सर्दी वगैरह की वजह से वायर ख़राब ना हो, उसके लिए ये वाली केबल जो है इस्तेमाल की जाती हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर ये जो केबल है ब्लैक कलर के अंदर आती है और बिल्कुल शाइनिंग के अंदर है, इसकी चमक आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आउटडोर केबल है, जिस तरह PTCL की केबल होती है सेम ऐसे ही है ये वाली केबल, डबल PVC के अंदर आती है। और ये वाली केबल मैंने काफ़ी इस्तेमाल की है आउटडोर के लिए। अभी मैं आपको इसका जो कॉपर है वो आपको चेक करवाता हूँ कि इसके अंदर जो कॉपर है वो कैसा है। तो अभी मैंने इस वायर का जो PVC है ऊपर से उतारा है, तो इस वायर की जो PVC है वो बहुत अच्छी है। और यहाँ पर आपको इसका जो इसके अंदर जो ये वाला प्लास्टिक है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ, टूट नहीं रहा, काफ़ी मज़बूत है ये वायर। स्पेशली जो है वो आउटडोर जो आप अगर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस वायर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये धूप जो है वो तेज़ धूप को भी अब्जॉर्ब करती है और जल्दी ख़राब नहीं होती, आउटडोर केबल है। तो जो दूसरी केबल्स है मैंने पहले आपको बताया, वो अगर आप आउटडोर इस्तेमाल करेंगे तो धूप की वजह से उनका PVC जो है ऊपर से ख़राब हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो ये वाली केबल है यहाँ पर मैं आपको 4 नंबर पे केबल पर बताने जा रहा हूँ। ये डबल ए कंपनी की केबल है और ये भी ब्रांडेड है। पहले जो मैंने हाई विजन और दावा बनाई थी वो भी चाइना की है और ये भी चाइना है, और जो मैंने डॉल्फिन बताई थी वो पाकिस्तानी मेड है। ये भी जो डबल ए केबल है ये भी ब्रांडेड है, मेड इन चाइना है। तो ये वाली केबल जो है ये भी 1000 जो आती है इस कॉयल के अंदर। तो अभी मैं आपको इस केबल का जो ऊपर से PVC है वो उतार कर चेक करवाता हूँ, इसका कॉपर कैसा है, इसका PVC कैसा है। दोस्तों ये जो डबल ए केबल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी आउटडोर केबल, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके PVC की बात की जाए तो ये इसका PVC है वो डबल है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, इसका जो PVC है वो नहायत ही डीट किस्म का है। मैं फ़र्स्ट टाइम इस केबल का जो ऊपर से PVC है उतारने जा रहा हूँ। और इस केबल की मैं सिर्फ जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन बतानी थी के तौर पर इसको बताना था कि ये केबल कैसी है। लेकिन जब मैंने इसका PVC ऊपर से उतारने की कोशिश की है तो बहुत ही कह लेंगे आउट क्लास और ना उतरने वाला, जल्दी से ख़राब होने वाला इसका PVC है ऊपर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बहुत ही कह लेंगे ज़ोर आजमाई कर रहा हूँ, इसका ऊपर से PVC उतारने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं उतर रहा। तो इसका जो अंदर से कॉपर है वो भी मैं आपको चेक करवाऊंगा कि वो अंदर से कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका PVC बहुत ही हार्ड किस्म का है। ये जो डॉल्फिन केबल है उससे भी ज़्यादा इसका जो कह लें कि मज़बूत है PVC। तो इसके अलावा नेट गेयर कंपनी है एक, वो भी इम्पोर्टेड है, वो भी उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है और कह लें कि उसका PVC बहुत ही आउट क्लास है। अगर उसको भी आप आउटडोर अगर आपको मिलती है यूज़ करने के लिए तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डॉल्फिन केबल है आउटडोर के लिए और ये वाली डबल ए केबल बहुत ही आउट क्लास। यहाँ पर आप डॉल्फिन का PVC दे सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर डबल ए का दे सकते हैं, बहुत ही मज़बूत है। और अभी हम आपको इसका जो कॉपर है वो आपको चेक करवाते हैं वो कैसा है। तो इसका कॉपर जो है बिल्कुल हल्का है और लेकिन कह लें कि इसका अगर PVC की बात की जाए तो PVC के लिहाज से ये केबल अच्छी है, यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर इस वायर की केबल की मोटाई की बात की जाए तो दूसरी के बनिस्बत इस वायर की मोटाई भी ज़्यादा है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको थोड़ा सा वायर के बारे में बताया कि नेटवर्किंग के लिए कौन सी वायर इस्तेमाल होती हैं। दोस्त काफ़ी जब और केबल भी इस्तेमाल कर रहे होंगे लेकिन हम जो ज़्यादा मोस्टली यूज़ करते हैं वो नेट गेयर और इसके अलावा डॉल्फिन केबल्स है वो यूज़ करते हैं। और जो कैमराज के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं वो हाई विजन और दावा की जो इंडोर केबल्स होती हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा मज़ीद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा फाइबर ऑप्टिकल की केबल के ऊपर। एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि मैंने इनकी प्राइसेस इसलिए नहीं बताई कि थोड़े से मसले मसाइल हैं, इसकी प्राइसेस के जो अप डाउन होती रहती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर इनकी प्राइस नहीं बताई। तो आज की दोस्तों वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।